hello kids welcome back i am vandana and we are learning english grammar of class 1 this is brain road series here this is a book and the name of your book is grammar glitter odyssey and today we are going to start with chapter number 13 and the name is what is happening so let's see what's in this chapter When we talk about what a person, animal or thing is doing right now, जब हम बात करते हैं कि कोई person, animal या फिर thing क्या काम कर रहा है कब अभी इसी वक्त we use am, is, are and add ing. हम क्या करते हैं अभी hmm. अगर कोई काम हो रहा है तो हम एम एस आर यूज करते हैं और इनके साथ आई एन जी एड करते हैं किस में डूंग तो उसमें हमें आई एन जी को एड करना है एग्जाम्पल इज वी आर ईटिंग आ केक तो यहाँ पर हमने वी के साथ क्या लगाया आर तो जब प्लूरल हो हमारा तो नाउन या फिर नाउन तो हम आर लगाएंगे और ईट का बन जाएगा ईटिंग

तो ये जो एक बच्चा है इसके साथ हम लगाएंगे इज तो हैरी इज राइड का बन जाएगा आंसर विल बी हैरी बाइसिकल चला रहा है तो हमें किस बात पे ध्यान देना हमें ध्यान देना है कि जब सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज लगाना है प्लुरल है तो आर लगाना है और आई के साथ एम लगाना है जो डूइंग वर्ड्स उनके साथ आई लगाना है क्यों लगाना है क्योंकि काम अभी हो रहा है अभी चल रहा है सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज एड आई एन जी टू दीज डूइंग कुछ डूइंग वर्ड्स दिए इनमें हमें आई एन जी को एड ऑन करना है सो so, जम्प में जब हमने आई एन जी को एड किया तो जम्प बन गया जम्पिंग प्ले बन गया Playing, Sing, क्या बनेगा? Singing, and Study बन जाएगा? Studying, ing लगाना है. Sim, simply. Ring बन जाएगा? Ringing. Rain क्या बनेगा? Raining. Bark बार्किंग और बसता है वॉक तो वॉक बनेगा वॉकिंग इज इट क्लियर चिल्ड्रेन तो ऐसे ही हमें इन डूइंग वर्ड्स के साथ आई एन को एड ऑन करना है नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज कंप्लीट द इज यूजिंग द करेक्ट डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स तो बॉक्स में कुछ डूइंग वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें हमें फिल करना है It is dash heavily. So it is raining heavily. बहुत तेज बारिश हो रही है गीता is dash a book. गीता बुक को क्या कर रही है Read कर रही है तो reading. गीता इज रीडिंग अ बुक आप कौन कौन से वर्ड्स बचे प्लेइंग ंग बारकिंग एंड शाउटिंग तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वन एज अभी हमारे कौन कौन से वर्ड्स बचे थे प्लेइंग रिंगिंग बारकिंग एंड शाउटिंग तो चलिए इन वर्ड्स को यहां पर हम फिल करते हैं दे आर डैश इन द पार्क पार्क में क्या कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं तो प्लेइंग पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग द डॉग्स आर डैश लाउडली डॉग्स क्या कर रहे हैं बार्क कर रहे हैं सो बारकिंग बी ए आर के आई एन जी बारकिंग द स्टूडेंट्स आर डैश लाउडली बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखो क्या कर रहे हैं बच्चे शाउटिंग

फ्लाइंग इन द स्काई बहुत सारे बर्थ्स हैं तो हम क्या लगाएंगे आर द बर्थस आर फ्लाइंग इन द स्काई द गर्ल्स इज डांसिंग ऑन द स्टेज कितनी गर्ल्स हैं बहुत सारी तो हम लिखेंगे आर द गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द स्टेज आई आर ईटिंग टेस्टी ब्रेकफास्ट तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा एन आई एम ईटिंग टेस्टी ब्रेकफास्ट रितिक आर सिटिंग ऑन द चेयर सो आर की जगह आ जाएगा एस yes, क्योंकि ऋतिक कितने बच्चे हैं ओनली वन द टैप्स इज लीकिंग कितने टैप्स हैं बहुत सारे तो हम लिखेंगे आर द टैप्स आर लीकिंग द काइट्स एम फ्लाइंग इन द स्काई कितने काइट्स हैं बहुत सारे तो हम लिखेंगे आर द काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई द स्टार्स इज ट्विंकलिंग इन द स्काई अब कितने स्टार्स हैं बहुत सारे तो हम यहाँ लिखेंगे आर द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई आई होप चिल्ड्रेन दिस इज क्लियर ऐसे आपको करनी है ये एक्सरसाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू डी एक्सरसाइज ये वी हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इज एम आर अ सूटेबल डूइंग वर्ड तो हमें एन आई एन जी भी ऐड करना तो यहाँ बॉक्स में से हमें डूइंग वर्ड को चूज करना है उनमें इज एम आर आ लगाना है और आई एन जी को भी ऐड करना है सो अ कैट डैश इन द पार्क। कैट क्या कर रही है पार्क में सिट प्ले टीच और प्लान सो अ कैट इज सिटिंग इन द पार्क द बॉयज डैश इन द पार्क बॉयज क्या कर रहे हैं प्ले सो हम बॉयज बहुत सारे बॉयज है तो हम लिखेंगे आर द बॉयज आर Playing in the park. Third one, the teacher dash mathematics. टीचर क्या करती है पढ़ाती है So the teacher is teaching. टीच Teach का क्या बन जाएगा आई एन लगा के टीचिंग बन जाएगा सो द टीचर इज टीचिंग मैथमेटिक्स दे डैश आर ट्रिप टू डिज्नीलैंड डिज्नीलैंड का ट्रिप बना रहे हैं कौन बना रहा है वे लोग दे मीन्स मैनी तो हम दे के साथ लिखेंगे आर दे आर अ प्लान इंग प्लानिंग क्लियर तो डबल एन हो जाएगा यहाँ पे प्लानिंग आर ट्रिप टू डिज्नीलैंड इट्स आई होप दिस इज क्लियर चिल्ड्रेन नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट पार्क देख सकते हो आप ना आपके सामने एक पार्क का सीन है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इन दार्क तो पार्क में हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है दिस व्यू है क्वेश्चन सो लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन विथ ये और नो इन इस पिक्चर को देखना है और आंसर देना है येस या फिर नो में सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बच्चा पेंट कर रहा है एक दो बच्चे जो है डॉग के साथ खेल रहे हैं कुछ बच्चे स्टोरी सुन रहे हैं और एक बॉय यहाँ बैठ के आराम से पेड़ के नीचे अपनी बुक को पढ़ रहा है नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन योर द फर्स्ट वन इज आर ऑल द चिल्ड्रन स्टडिंग क्या सारे बच्चे यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं देखो कैसा पढ़ाई कर रहे हैं नो इज द बॉय इन द रेड शर्ट पेंटिंग रेड शर्ट में जो बॉय है क्या वो पेंट कर रहा है देखिए जल्दी से देखिए रेड शर्ट में कौन बॉय है दिस तो क्या ये बच्चा पेंट कर रहा है नो इज द बॉय रीडिंग अ स्टोरी टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन क्या यहाँ पे एक बच्चा है एक स्टोरी पढ़ रहा है बाकी बच्चों के लिए ये देखो क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे राइट इज द डॉग ऑल्सो प्लेइंग विथ चिल्ड्रेन क्या ये डॉग बच्चों के साथ खेल रहा है ये yes. देखो देखो है ना सो वी विल राइट द आंसर्स आई होप यू एंजॉय डूइंग इट नाउ वॉट डू यू डू वेन यू गो टू अ पार्क जब आप पार्क में जाते हैं तो आप क्या करते हैं क्या जाके चुपचाप बैठ जाते हैं कोई बुक रीड करते हैं कोई पेंटिंग वर्क करते हैं प्ले करते हैं स्लाइडिंग करते हैं क्या करते हैं दैट यू है यहाँ पे आपको लिखना है नाउ सी पार्ट नेम पिक्चर्स दैट यू सी इन द पार्क अब इन सारे पिक्चर्स के नाम लिखने हैं जो आपको पार्क में दिखाई देते हैं तो पहली पिक्चर किसकी है ट्री और सेकेंड पिक्चर है बुश झाड़ियों की थर्ड पिक्चर किसकी है फ्लावर्स एंड फोर्थ पिक्चर किसकी है स्विंग So, these are the pictures. So, children, I hope you understood this, and uh, like this, you have to practice more exercises. So, with this, we complete this, and I will be meeting you soon with a new chapter. Till then, stay tuned.